कि आज तक जब सारी दुनिया स्क्रैम्बल कर रही है पता करने के लिए कि हम क्या करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कैसे चले आगे, ये क्लियर रिसर्च इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसा है। इसके अलावा रिसर्च हो चुकी है बाय वेरियस अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मॉस्को ने सीबकथॉर्न की एंटीवायरल कैपेबिलिटीज अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ANV, अगेंस्ट अडीनो वायरसेस, अगेंस्ट पैरामिक्सो वायरसेस, अगेंस्ट हर्पीज वायरसेस, अगेंस्ट साइटोमेगलो वायरसेस ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी सीबकथॉर्न में पावर्स हैं इन सब के अगेंस्ट। ऑल्सो बहुत रिसेंटली डेनमार्क NIS लैब्स ने एक रिसर्च के बारे में वीडियो निकाली कि जो हमारी बॉडी के स्टेम सेल्स हैं, अगर कोई डिजीज आती है तो स्टेम सेल्स इमीडिएटली एक्टिवेट होते हैं उस डिजीज से फाइट करने में। ये पाया गया है कि सीबकथॉर्न बेरी को यूज करने के बाद स्टेम सेल्स 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाते हैं और स्ट्रांग बन जाते हैं टू फाइट डिजीज आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स। सो ये थर्ड रिसर्च जो है जो कि वैलिडेट करता है कि द ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर्स ऑफ सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न बेरी एक्सट्रैक्ट्स, सीबकथॉर्न सीड एक्सट्रैक्ट्स। सो वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वे हम लोग ऑलरेडी इस स्पेस में, क्योंकि आज का जो दौर है वो कहता है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यू मस्ट बूस्ट योर इम्यूनिटी। और ये जो रिसर्च अभी आई है वो यही वैलिडेट करती है कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, फॉर इन केस यू गेट कोविड, अ नेचुरल वे दैट आप लेते रहिए ताकि वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा ना हो और शायद ये प्रिवेंटिव भी हो। प्यूरिन एंजाइम है, एनर्जी सोर्स है एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, इबोला वायरस के लिए और कोविड-19 वायरस के लिए, तो ये चारों चीज़ों में काम आता है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको रिसर्च की जो पब्लिश हुई है चीज़ें वो मैं पढ़ के फिर से बताता हूँ। बिकॉज रिसर्च टीम एट EWA यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैज सेड दैट सीबकथॉर्न रिप्रेसेस एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन एन एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन ऑफ न्यू कोरोना वायरस। फर्स्ट, सेम थिंग इन चाइना नानका यूनिवर्सिटी, दे आर सेइंग दैट सीबकथॉर्न अटैक्स प्यूरिन टू अक्वायर एनर्जी फॉर एप्लीकेशन, सो सप्रेस होता है। थर्ड थिंग, अब इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि सीबकथॉर्न बेरी कैन बी अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू सप्रेस कोविड-19। फोर्थली, साइंटिस्ट इज सेइंग दैट आई बिलीव दैट सीबकथॉर्न कैन वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कोविड-19। अगेन, गाचोन यूनिवर्सिटी कैंसर एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट इज सेइंग दैट इट कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 स्प्रेड। तो दिस इज रिसर्च जो मैंने आपको पढ़ के बताया। फॉर्चुनेटली देर इज सम रिसर्च कमिंग आउट क्विकली, दीज रिसर्चर्स दे आर रिसर्चिंग मेनी थिंग्स, दे आर रिसर्चिंग मेनी प्लांट्स, और इनमें से सीबकथॉर्न उभर के आया है एज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉमिसिंग प्लांट्स फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, for being able to suppress dangerous things like AIDS, hepatitis, Ebola and now COVID-19 virus. So I am saying this to you based on the Korean Biomedical Review published paper of research.